भीख नहीं अधिकार चाहिए, किसानों को न्याय चाहिए। हमारा ये सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश में किसान एकता का ये तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ हो रहा है। द वेरी आइडिया ऑफ किसान एकता, यू नो व्हाट वी स्टार्टेड, देवेंद्र शर्मा, राजेवाल, कोडियली एंड माइसेल्फ स्टार्टेड, इज बिकॉज देर शुड बी अ कलेक्टिव वॉइस। किसान एकता जो मंच है हमारा, पूरे देश का एक मंच है, जिसमें जितने भी किसान संगठन हैं वो सारे एक मंच पर आ चुके हैं। जितने भी किसान संगठन हैं वे सब मिलकर एक जगह बैठे, एक होकर काम करें, एक होकर लड़ाई लड़ें, इसलिए किसानों की एकता की आवश्यकता है आज। सी, इफ अ नेशनल इशू, इफ इफ ए नेशन शुड लिसन समथिंग, ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पीकिंग, इट डोंट रीच देयर। सो कलेक्टिवली इफ यू गो टुगेदर, इफ द सेम एजेंडा, सेम इशू, कलेक्टिव वॉइस विल हेल्प। जो MSP तय होता है वो CACP करता है और सिफारिश करता है, और केंद्र का जो वित्त मंत्रालय है उसको मंजूरी देता है, वो बिल्कुल सारा प्रोग्राम सरकार के अधीन है। किसान को स्वयं को अपनी उपज का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं, उसकी उपज का मूल्य दो जगह तय होता है, एक तो बाजार में, मंडियों में, उनके द्वारा जिनका कृषि उपजों से कोई सरोकार नहीं है, दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है सरकार। फॉर प्रिपेयरिंग द MSP दे हैव कलेक्टिंग द डेटा दैट इज टोटली अनएथिकल। अब तक MSP का जो लाभ है वो केवल 6% किसानों को मिला है, और इसका कारण भी सरकार की नीतियां हैं। सरकार के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं किसान लोग, हम उससे अलग हट करके देखना चाहते हैं। छोटे जो जो फार्मर्स जो हैं, जो एक एकड़ दो एकड़ की किसान, उन लोग अपने आत्मनिर्भर सम्मान के साथ जिंदगी जी सके, अपने उत्पादन का सही लाभ ले सके। It will be worked out in future, how the our demands will be raised by the Kishan Ekta. They have already invited me in their next meeting to give a deliberation on the fishing community's problems and their struggles, etc. Talk about 7th pay commission, 18,000, somewhere around 18,000 is a basic salary. It may go to 23,000-24,000 rupees for a class 4 worker. And we constitute more than 65% of India's population. We don't have guaranteed income. इस किसान एकता में किसानों को नए तरीके से सोच किया गया कि हमारी मिनिमम इनकम क्या हो। We suggest a guaranteed income guarantee commission. If government has got better idea than us, let the government do it. As of now, we are not capable of going for elections directly. So we should be a strong pressure group to put our demands to all the parties. Whichever the party who takes our agenda into the national agenda, on top of the national agenda, we may think of supporting such parties. शिमला में विभिन्न किसान संगठनों का एक मंच पर आना भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। आज भी देश के 50% लोग सीधे तौर से कृषि से जुड़े हुए हैं, पर उनके मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति में कहीं गौण हो चुके हैं। ऐसे में किसान एकता मंच की जो पहल हुई है और उनकी मांग जो हुई है, एक सुनिश्चित किसानों की एक सुनिश्चित आय के लिए, फार्मर्स गारंटीड इनकम की जो मांग हुई है, ये आने वाले समय में भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगी।